वेलकम बैक इन द सीसीएल क्लास चैप्टर लेसन। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे क्लास 9 से साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आज आपको इस चैप्टर में इसी के बारे में जानने को मिलेगा पूरा डिटेल में। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपको कराएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत ही कम क्वेश्चन है जो की इस चैप्टर से आएंगे, बट हाँ, जो भी आएंगे श्योरिटी के साथ बताएंगे आपको कि किस टाइप से पूछ सकते हैं वो लोग आपसे। तो बात करते हैं व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अगर आप अपने सराउंड में देखो तो आजकल जो है बीमारी जो है बहुत ज्यादा चल पड़ी है, और वो बीमार क्यों पड़ते हैं कुछ ना कुछ रीजन रहता होगा। तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक होता है हेल्दी, एक होता है डिसीज फ्री। क्या हेल्दी, HELTH, हेल्थी लिख लो या फिर हेल्दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है हेल्थ, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। अभी ये स्वास्थ्य कैसा होता है, एक होता है डिसीज फ्री, कैसा डिसीज फ्री, दिस इज फ्री। तो ये हेल्दी और डिसीज फ्री में फर्क क्या है। डिसीज मतलब बीमारी, बीमारी से मुक्त, यानी बीमारी नहीं है उसको। एक इंसान है जिसको बीमारी नहीं है, तो और एक इंसान है जो हेल्दी है। तो इनमें अलग अलग ही दोनों चीजें अगर आती हैं, तो ये दोनों जो पर्सन है वो अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या है। देखो हेल्दी क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, बेसिकली हेल्थ या फिर हेल्दी पर्सन, वो पर्सन जो कि फिजिकली तो मतलब बीमारी नहीं है शरीर में, वायरस वगैरह कुछ नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह कोई दिक्कत नहीं है उसके शरीर को फिजिकली। मेंटली यानी दिमाग से टेंशन तनाव ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली मेंटली एंड सोशली जो है फिट है, उसको बोलेंगे हेल्दी पर्सन, ठीक है। सोशली इन द सेंस की समाज में उसकी रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे जो है आदर सम्मान किया जाता है, बिल्कुल मजे कर रहा है वो अपना, तो उस पर्सन को बोलेंगे हेल्दी पर्सन। और डिसीज फ्री पर्सन वो होता है जिसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना, जिसको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी इन द सेंस कि उसको मान लो फीवर मलेरिया ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बट उसको वो ठीक है, वो दिमाग में ज्यादा टेंशन लेता है, ऐसी ऐसी चीजें भी तो होती है, तो उस टाइप में होते हैं डिसीज फ्री। तो डिसीज फ्री अलग चीज होती है, हेल्दी अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो ये चीज है यहाँ पे। एंड अभी बात करते हैं यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है। ये जो हेल्थ की जो डेफिनेशन बुक में आपकी दी हुई है, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की, ठीक है ना, जिसने बताया हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। मतलब कि फिजिकली मेंटली एंड सोशली आप सही हो तो ही आप हेल्दी हो, नहीं तो आप क्या हो, फिर डिसीज फ्री हो, ठीक है ना। बहुत कम पर्सनैलिटीज होती है जो हेल्दी होती है, सब डिसीज फ्री मिल जाएंगे, बट हेल्दी बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं पर्सनल एंड कम्युनिकेशन इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, ठीक है ना। यहाँ पे बता रखा है बस, ये पॉइंट ही है इसका, ठीक है। मतलब पर्सनल और कम्युनिटी, हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग का एरिया कैसा है, तो वो डिपेंड करता है हमारी हेल्थ के ऊपर। मतलब कि हमारे आसपास अगर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, गालियां चलती रहती हैं, तो वहां पे आपके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आप में भी कहीं ना कहीं उनका असर दिखेगा, ठीक है ना। वो चीज यहाँ पे बताई गई है कि मतलब जो जैसा आपका सराउंड का एरिया है, मान लो आप प्रदूषण में रहते हो तो ऑब्वियस बात है बीमार होने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीज फ्री को, डिसीज को क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर डिफाइन करें डिसीज क्या होती है, बीमारी क्या होती है, डिसीज होती है बीइंग अनकंफर्टेबल। क्या अनकंफर्टेबल से तो आप समझते होंगे क्या होती है अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल, तो बीइंग अनकंफर्टेबल। तो ये अनकंफर्टेबल होता क्या, देखो अनकंफर्टेबल यानी कि हमें मजा नहीं आ रहा इस चीज में, इस यहाँ पे रहते हुए या फिर कुछ भी करते हुए, काम करते हुए मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, वहां पे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, यानी कि आपको कोई दिक्कत है, बीमारी है, दिक्कत मतलब बीमारी, ठीक है ना, डिसीज, वहां पे आपको बीमारी आई हुई है कुछ, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, किसी भी टाइप की। हमने तीन बीमारियों का पढ़ा है, फिजिकली मेंटली सोशली, तो किसी भी टाइप की हो सकती है, बट वहां पे बीमारी आपको है कुछ ना कुछ। तो वहां पे अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो वहां पे डिसीज आपको, यानी कि वहां पे आपको दिखाने के लिए बोला जाएगा कि आप डिसीज फ्री हो, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको दिक्कत है, आप वहां पे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। आपको जहां पे दिक्कत नहीं है, लोगों को दिख रहा है कोई बीमार नहीं है, कोई इशू नहीं है इसको, आप वहां पे डिसीज फ्री तो हो, बट वहां पे आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है ना। वो चीज होती है यहाँ पे, मतलब अनकंफर्टेबल हो तो और लेकिन बीमारी नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिसीज फ्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अभी किसी यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया, डायरिया किसी को हुआ है और यहाँ पे
कोज बाय द लूज मोशन, लूज मोशन की वजह से हो गया तो लोग किस पे ध्यान देंगे, लूज मोशन पे, डायरिया पे थोड़ी ना ध्यान देंगे। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। तो डिसीज एंड इट्स कोज, जो बीमारी होती है उसका कोज यानी कारण क्या होता है, आपको बीमार हो आप, ठीक है, और आप बीमार क्यों हो, क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे जुखाम हो गया, बुखार हो गया, तो क्यों हुआ मुझको बुखार, क्यों हुआ मुझे जुखाम, अगर आपने सोच लिया तो आप शायद से कहीं ना कहीं उसको ठीक भी कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, व्हाट डज डिसीज लुक लाइक, बीमारी कैसे दिखती है, बीमारी कैसे दिखती है, कई टाइप से बीमारी होती है, कुछ ऐसी होती है जो जल्दी ठीक हो जाती है, कुछ देरी से ठीक होती है, यही तो होता है, मतलब जुखाम हो गया एक दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा, कुछ एक तो ऐसी भी होती है जिसमें मतलब बीपी हाई लो, ये तो बहुत फास्टली मतलब पता लगे दो मिनट में ठीक हुआ पड़ा है पर्सनैलिटी और दो मिनट में बीमार हो गया, तो वो चीजें भी होती है यहाँ पे। तो दो टाइप की बीमारी यहाँ से निकल के आती है, पहली होती है एक्यूट, ठीक है, क्या एक्यूट, दूसरी होती है क्रोनिक, दूसरी होती है क्रोनिक। तो ये दो टाइप की डिसीज आपको निकल के आती है, क्रोनिक और एक्यूट। एक्यूट क्या होती है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, मतलब बहुत छोटे समय के लिए होती है, ठीक है, बीपी का हाई हो जाना, अपने आप लो हो जाना, ठीक है, वो छोटे समय के लिए होती है, ठीक है। तो उस टाइप की बीमारी मान लो आप सिंपल एग्जांपल देखो, इनको भी छोड़ो, आप भाग के आए हो, आपको सांस चढ़े हुए, ठीक है ना, मतलब आप थके हुए हो, तो उस थकावट वो जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे ही रेस्ट करोगे ठीक हो जाओगे, तो वो थकावट किसके कारण होगी, बीमारी में आएगी, तो वो एक्यूट है, वो मतलब छोटे समय के लिए आपको पता है, वो छोटे समय के लिए। और क्रोनिक का एग्जांपल देखें तो बीमार हो गए, आपकी हड्डी टूट गई, तो ऐसी कुछ बीमारियां बहुत तगड़ी तगड़ी, कुछ एक तो ऐसी होती है जो ठीक ही नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो चीजें होती है क्रोनिक के अंदर, जो कि लंबे समय तक चले, सालों महीनों दिनों तक, कहीं कहीं दिन मतलब हफ्ते निकल जाए, तो उस टाइप की बीमारी को क्रोनिक डिसीज बोला जाएगा। तो ये दो डिसीज है, और यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है इस चैप्टर से तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो हेल्दी वर्सेस डिसीज फ्री ये पूछा जा सकता है, या फिर एक्यूट वर्सेस क्रोनिक, यहाँ पे एक नहीं आएगा कि डिफाइन एक्यूट डिसीज या फिर डिफाइन क्रोनिक, ऐसे नहीं पूछेंगे वो लोग, सीधा पूछेंगे डिफाइन, मतलब कंपेयर करो इनको, एक्यूट डिसीज और क्रोनिक डिसीज को, तो बेसिकली आएगा दो मार्क्स में, अगर दो मार्क्स में यहाँ पे आपके पास आ रहा है एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट और क्रोनिक के बता दूंगा इस चैप्टर से आने के सबसे ज्यादा चांस है। सो अगर आपको दो नंबर में आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन एक शॉर्ट पीरियड के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए, और एक एक एग्जाम्पल लिख दो इनका, तो आपके जो मार्क्स है वो पूरे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्रोनिक डिसीज एंड पुअर हेल्थ, पुअर मतलब खराब स्वास्थ्य, ठीक है, एक तो क्रोनिक डिसीज यानी कि जो लंबे समय तक बीमारी चल रही है, और एक होता है पुअर हेल्थ यानी हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है, तो दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मान लो आप एक खराब एरिया में रह रहे हो, प्रदूषण इतना हाई है, तो आपको जो डिसीज होगी वो अगर थोड़े समय के लिए है तो वो भी लंबे समय के लिए चली जा सकती है, ठीक है ना। और अगर आप एक अच्छे माहौल में रह रहे हो, अच्छा मजा आ रहा है वहां पे, और अगर आपको कोई बीमारी ऐसी भी है ना जो मतलब थोड़ा टाइम के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाती है, तो वो चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो उसके बाद में आता है कॉजेज ऑफ डिसीज, बीमारी का कारण क्या होता है, बीमारी का कारण क्या होता है, दो कारण होते हैं हमारे पास बीमारी के, या तो हमें इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन इन द सेंस बैक्टीरिया या वायरस कुछ हमारे शरीर के अंदर एंटर कर गया, या फिर कुछ हुआ ही नहीं है हमें, ठीक है, या फिर कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब नॉन इन्फेक्शनस डिसीज। तो दो टाइप की डिसीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, एक तो होती है इन्फेक्शनस, इन्फेक्शनस, तो इन्फेक्शनस यानी इन्फेक्शन से फैलने वाली जो बीमारी है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन तो समझते हो बैक्टीरिया वायरस, ठीक है ना, ये चीजें मच्छर के काटने से क्या फैलेगा आपके शरीर में, बीमारी फैलेगी, तो वो इन्फेक्शनस बीमारी होती है, ठीक है ना। एक होती है नॉन इन्फेक्शनस, नॉन में नॉन लगा को और ये लगा दो, ठीक है, ये सेम है यहाँ पे, तो नॉन इन्फेक्शनस जो नॉन है मतलब जिसमें इन्फेक्शन आया नहीं आपके शरीर में, कुछ नहीं आया, लेकिन आप बीमार पड़ गए, कैसे, कैन यू इमेजिन कि आपको कुछ दिक्कत नहीं है फिर भी आप बीमार पड़ रहे हो, क्यों, आप मान लो ज्यादा दिमाग के ऊपर प्रेशर कर रहे हो, मतलब ज्यादा सोच रहे हो, या आप किसी के बारे में जो है ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, आपका बीपी या तो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, तो आपके शरीर में वायरस थोड़ी ना आया, कोई ना वायरस आया ना बैक्टीरिया आया, कुछ नहीं आया, लेकिन आप बीमार हो, क्यों हो, क्योंकि आपको जो आपने टेंशन लिया वहां पे, ब्लड प्रेशर हाई या लो आपकी गलती से हुआ है, ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे। और उस टाइप की जो बीमारी होती है वो होती है नॉन इन्फेक्शनस डिसीजेस, ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है हाई ब्लड प्रेशर का दिया है इन लोगों ने भी,
और उसके बाद में वेट लैग मतलब एक्स वेट का हाई हो जाना या कम हो जाना वो चीज भी आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आप प्रॉपर से अपने शरीर का ध्यान रखते हो तो आपको क्यों होंगी वो दिखते, ठीक है ना। इन्फेक्शन थोड़ी ना आ रहा है, आप डाइट ले रहे हो, डाइट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, आपका वेट जो भी बढ़ रहा है ठीक है वो डाइट के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं, नॉन इन्फेक्शनस तो लिमिटेड है, मतलब लिमिट है इनकी, ये ज्यादा नहीं होने की शरीर में, अगर हो गई तो आप खुद से ठीक कर लोगे, लेकिन अगर बीमारी ऐसी हो गई जिसमें इन्फेक्शन का काम आ जाए तो ये इन्फेक्शन वाली है, काफी लंबा हॉट टॉपिक है बिल्कुल से, और इसके लिए आपको जो है ध्यान से समझना पड़ेगा, ये इन्फेक्शन वाला जो मैटर है वो ध्यान से समझना पड़ेगा। सो अभी आपको समझाते हैं, इन्फेक्शन में काफी सारे टाइप के इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, बट आपके पेपर में नहीं आएंगे इतने सारे। तो यहाँ पे देखो इन्फेक्शनस डिसीज, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्फेक्शनस, तो ये है इन्फेक्शनस डिसीज, और इसके जो है यहाँ पे आ रहे हैं आगे टाइप आ रहे हैं, मतलब इन्होंने एग्जांपल दिया सारस का, ठीक है ना, सारस एस ए आर एस, सारे कैपिटल अक्षर है, शॉर्ट फॉर्म बना रखी है इसके नाम की, कमिंग आउट एरोज ऑफ द एग्जांपल ऑफ द सरफेस इंफेक्टेड सेल वाइड स्केल। तो यहाँ पे मतलब कुछ बीमारियां होती है जिनमें जो है सारस की वजह से फैल जाती है, मतलब एक टाइप का बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है और जो आपके शरीर में मतलब इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारस का हो गया, उसके बाद में एक और नाम लिख रखा है स्टैफिलोकोकी, ठीक है ना, ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, टेप वार्म, एडल्ट राउंड वार्म, ठीक है ना, राउंड वार्म भी होता है जो आपके पेट के अंदर होता है, पेट के कीड़े जिसको बोलते हैं, तो राउंड वार्म होता है जो कि बेसिकली, तो ये चीजें होती है, ये मतलब बीमारियां किसकी वजह से फैलती है, ये कुछ केमिकल्स कुछ ऐसी चीजें जा रही है। देखो आपने कभी सोचा है, देखो अगर आप एक इमेजिन करो, एक हमारे पास वायरस है, वायरस ठीक है, और एक तरफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया, तो ये दो चीजें हैं, और अगर केमिस्ट्री की नजर से आप देखते हो ना, केमिकल्स की नजर से, तो ये वायरस जो है ना ये किसी चीज से मिलके बना, ये जीव है एक टाइप का, बहुत छोटा है लेकिन जीव है। तो ये जो जीव है आखिरकार ये बना कैसे है, ये भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इन सब चीजों से तो मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी मिलेंगी अपनी, ठीक है, बैक्टीरिया की अपनी प्रॉपर्टी मिलेंगी, बैक्टीरिया भी इसी टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके बन रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वायरस अडॉप्ट नहीं करता, कुछ को अडॉप्ट कर लेता है, तो उनके हिसाब से जो है इनकी दवाइयां भी बनती है बाद में, मतलब वायरस की बीमारी जो है ना, वायरस से जो बीमारी हुई है, इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से हुआ है, उसको ठीक करना हार्ड है, क्योंकि वो जो है बहुत सारी दवाइयों को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन अगर बैक्टीरिया की वजह से वही बीमारी हो रही है, तो वहां पे अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के लिए एंटीडोट बहुत जल्दी बन सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया का जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कमजोर होता है एज कम्पेयर वायरस के, वायरस बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे आपके चैप्टर में क्या है, तो यहाँ पे दे रखा है कुछ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। अभी देखो वायरस की वजह से फैलता है कॉमन कोल्ड, अभी देखो आप कितनी दवाइयां खा लो, आपको जुखाम सर्दी जुखाम हो गया तो आपको कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, कितनी अच्छी से अच्छी दवाई खा लो 3 दिन से पहले ठीक नहीं होनेगे, ठीक है, अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना, केस है यहाँ पे शरीर अगर आपका प्रॉपर से साथ नहीं दे रहा है, मतलब इम्यूनिटी आपके शरीर की सही नहीं है तो, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन कोल्ड आपको जल्दी हो जाएगा, मतलब लगेगा भी देरी से, लेकिन अगर हो गया तो ठीक भी जल्दी से नहीं होगा, तो वो किसकी वजह से, क्योंकि वायरस है, वायरस का एंटीडोट ही नहीं होता, प्रॉपर से काम नहीं करता वायरस पे कोई भी एंटीडोट, ठीक है। उसके बाद में इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर और एड्स, एड्स की तो आज तक बीमारी का इलाज ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। उसके बाद में डिजीज लाइक टाइफाइड फीवर कलोरिया ट्यूबरकुलोसिस, और ये किसकी मदद से फैलती है, बैक्टीरिया की, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस कलोरिया फीवर बुखार हो गया तो बुखार बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं, मोस्ट ऑफ द बुखार जो है बैक्टीरिया की वजह से। और अगर डेंगू जैसे मच्छर के काटने से होता है, मच्छर आपके शरीर में क्या डालता है, वायरस डालता है, और वो वायरस आपके शरीर में डेंगू मच्छर के काटने से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है इंडिया के अंदर, तो ये क्यों, क्योंकि वायरस का जो प्रॉपर से जो इलाज है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि वायरस का जो एंटीडोट जो बनाया जाता है वो प्रॉपर से काम नहीं करता वायरस के ऊपर, इसी कारण से ऐसा होता है। लेकिन बैक्टीरिया पर अगर आप उससे मिलता जुलता एंटीडोट भी दे दोगे तो काम कर जाएगा वो उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में आता है मींस ऑफ स्प्रेड, अगर ये फैलती कैसे, मतलब ये दो चीजें हैं, एक है वायरस एक है बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलना, लेकिन ये फैलते कैसे हैं, आप तक पहुंचा कैसे ये वायरस, मतलब आपका शरीर तो नहीं बोल रहा मेरे शरीर में वायरस आओ, तो क्यों आया फिर ये वायरस, कैसे आया, कहां से आया, कहीं से तो आया होगा ना, किसी माध्यम से कुछ तो किया होगा ना इसने आप तक पहुंचने के लिए। सो यहाँ पे जो है एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू, तो डायग्राम को ही बनाते हैं एंड डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ भी सकते हो, क्योंकि उस
अगर आप एक पिक्चर के थ्रू समझते हो ना किसी भी चीज को, तो वो जल्दी समझ में आती है एज कम्पेयर कि आप बिना पिक्चर के उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। सो यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है हमारे पास में, और इसको जो है यहाँ पे इस हेल्दी पर्सन है हमारे पास में, कैसा पर्सन है, हेल्दी पर्सन, इसको जो है इसको बीमार करना है, इसको इन्फेक्टेड पर्सन को, हेल्दी पर्सन को बीमार करना है। कैसे करेगा, या तो देखो सबसे पहले तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जैसे उसमें एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं हाथ से टच किया, ठीक है ना, वो रोटियां खा ली, तो उस टाइप से इन्फेक्शन, यानी कि कॉन्टेक्ट में आने से, इसके आने से कॉन्टेक्ट यानी कि टच में आने से उसके जो है इन्फेक्शन फैल गया, गले मिला या फिर ऐसा कुछ किया, हाथ मिलाया, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो जो है कॉन्टेक्ट में आया, इसके जो इन्फेक्शन जो इसके शरीर में वायरस था या बैक्टीरिया था वो इसके शरीर में आ गया, इसके शरीर के टच में आ गया, तो इसके शरीर में भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से बीमार हो सकता है। इसके बाद में एक और आता है, अगर आपके पास में किसी ने छींक दिया है, ठीक है ना, उसको सर्दी जुकाम हो गया, तो आपको चांस है आपको भी सर्दी जुकाम होगा, क्योंकि वहां पे वो किसकी मदद से फैला है, हवा की मदद से, वो आपको नहीं बोला, आपने आप उसके कॉन्टेक्ट में नहीं गए, लेकिन वहां पे हो गया आपको, क्यों, क्योंकि हवा थी आपके पास में और उसने जब छींका था वो पार्टिकल्स थे, जो वायरस बैक्टीरिया, तो वो हवा में फैल गए, और हवा में फैलने का मतलब है बीमारी आपको आपके पास आने वाली है। उसके बाद में आता है एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, कैसा कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसा कॉन्टेक्ट होता है, जिसमें आपको नहीं पता कि बीमारी कहां से आ रही है, मतलब आपने आपके इन्फेक्टेड पर्सन है उसने कोई कपड़े पहने और उसने रख दिए, उसके बाद में आपने वही सेम कपड़े पहन लिए, तो वो आप उसने उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आया, आप उसके कपड़ों के कॉन्टेक्ट में आए और उसके कपड़ों में जो वायरस था वो आप तक पहुंच गया, तो वहां पे इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट आता है, या फिर जो है दूध की मदद से पहुंच जाता है, मतलब एक जानवर बीमार है उसको वायरस है और वही सेम दूध आपने पी लिया, तो इन्फेक्टेड वो कॉन्टेक्ट में थोड़ी ना है वो जानवर, उसका जो वायरस था उसके शरीर में बैक्टीरिया था वो आपके शरीर में सीधा पहुंच गया, तो वो भी यहाँ पे काम करता है, मतलब खाने की मदद से पहुंच सकता है ये, ठीक है ना। उसके बाद में एनिमल्स, एनिमल्स की मदद से पहुंच सकता है, तो एनिमल्स भी काम करते हैं यहाँ पे, काफी सारे एनिमल्स, जैसे आपके पेट हो गए घर में पालतू, अगर आपका कुत्ता है वो बीमार है और आप उसको जो है गले लगाते हो या फिर जो है रोटी वगैरह खिला रहे हो, तो वहां से उसके पास से भी आपके पास जो है इन्फेक्शन वायरस जो भी है वो पहुंच सकते हैं, तो बहुत सारे मीडियम है। एंड ये जो है साल से डायग्राम के काम आ जाए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना इस डायग्राम को, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। सो ये पॉइंट इतना ज्यादा खास नहीं है क्योंकि इसमें बताने को कुछ ज्यादा है नहीं। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट जो फाइनल जो मैं बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, इंपॉर्टेंट कौन से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोबेबिलिटी है जिनके सबसे ज्यादा चांस है कि वो यही वही क्वेश्चन आने के। सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट वर्ड सुनते ही आपको क्या समझ में आता है, ट्रीटमेंट यानी कि उसको ठीक करना, ट्रीट करना, उसको सिखाना या फिर बोले तो ठीक कर देना, अगर वायरस फैल गया तो उसको रोके कैसे, कैसे रोके, अगर बैक्टीरिया आ गया तो कैसे रोके उसको, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। तो वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज अ हार्डर, एंटीवायरल, वायरल मतलब वायरस के जो एंटीवायरल होते हैं वायरल वाले, तो मेडिसिन हार्डर देन मेकिंग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, मतलब एंटीवायरल जो मेडिसिन होती है जो वायरस की वजह से फैलती है उनको ज्यादा मुश्किल होती है एज कम्पेयर की अगर बैक्टीरिया की बीमारी है, तो ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में बस यही है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें, अभी हम अपना बेसिक फंडा बताते हैं कि ट्रीटमेंट प्रिंसिपल या सिद्धांत, ट्रीटमेंट के सिद्धांत कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक वायरस आपके शरीर में आया या फिर बैक्टीरिया आया, दो ही चीजें आई है, तो इन दोनों का एंटीवायरल आप दे दो किसी का, अगर वायरस आपके शरीर में तो एंटीवायरस दे दो, अगर बैक्टीरिया तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन आप उसको दे दो, तो चांस है कि उसका जो है वो जो बीमारी है उसके शरीर में जो वायरस है वो खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया है तो वो खत्म हो जाएगा, तो अगर खत्म हो गया तो उसका ट्रीटमेंट हो गया यानी वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन यानी बचने के, अभी आपको बीमारी होने, आपको पता है इन सारे कॉन्टेक्ट से आपको बीमारी होगी, पक्का होगी, तो आपको बचना है भाई, मेरे को नहीं लग रहा नहीं बीमारी, अभी सीजन चला हुआ, मान लो आपका सारा गांव बीमार पड़ा है और आप नहीं चाहते कि आप भी उन्हीं में शामिल हो, आप भी दवाइयां खाओ और आप वहां पे जो है डॉक्टर पे जाके इंजेक्शन लगवाते फिर हो, तो उससे अच्छा कैसे बच सकते हो, ये चीज है यहाँ पे प्रिवेंशन यानी बचाव कैसे करें अपने आप का। तो बचाने के लिए आपको क्या करना होता है, वही सारी चीजें जो लोग फॉलो करते हैं, यानी कॉन्टेक्ट में नहीं आओ, बीमार के पास में नहीं जाओ, ये सारी चीजें बताते रहते हैं। बट यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आता है नए वाला कि देखो यहाँ पे अगर हमें बचना है तो इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा, मतलब इनको इग्नोर करो, सिंपल सी बात है, कॉन्टेक्ट में ना जाओ, हवा से, हवा में ना, मतलब किसी ने छींका तो उसके पास में, बीमार व्यक्ति के पास में मत रहो, मतलब इन द सेंस। उसके बाद में इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, एनिमल्स,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का पता होगा जो लोगों को ठीक करते हैं, वो कॉन्टेक्ट में भी आते हैं, हवा में भी आते हैं, ठीक है ना। तो वो बीमार क्यों नहीं होते, मतलब आप सोचते होगे यार डॉक्टर है, मतलब ये बीमार क्यों नहीं हो रहा, हम बीमार हो गए, ये बीमारी ऐसी है जो हवा से फैल रही है, फिर भी ये डॉक्टर बीमार नहीं हो रहा क्यों। तो वो क्या करते हैं डॉक्टर, पहले से मतलब उनको पता है कि यहाँ पे ये इस टाइप का वायरस आया हुआ है, बैक्टीरिया आया हुआ है, तो वो उसका पहले से एंटीडोट ले लेते हैं अपने शरीर में, और जो एंटीडोट वहां पे मतलब वो बैक्टीरिया आएगा, शरीर की प्रॉपर्टी होती है, अगर एक बार उसने देख लिया, जैसे पोलियो का होता है ना, पोलियो की दवाई जो बोली जाती है बेसिकली वो दवाई नहीं होती, वो पोलियो के मरे हुए पहले से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कमजोर होते हैं, तो शरीर जो है एंटीग्लोक बनाता है, और वो एंटीग्लोक जो है वहां पे काम करते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम पोलियो आता है तो जल्दी बनाता है वो एंटीग्लोक और उसको खत्म कर देता है शरीर खुद ही, मतलब बाहर से कोई दवाई खाने की उसको फिर जरूरत नहीं पड़ती। सो वही बात यहाँ पे होती है, वो डॉक्टर जो उसको पता होता है अगर वायरल बीमारी है तो वो पहले दवाई ले लेता है, उसके बाद में चांस कम हो जाते हैं कि उसको बीमारी लगे, ठीक है ना, और वो बाकी गलत वगैरह उनका तो इस्तेमाल करता ही है ताकि जहां तक हो सके सिक्योर रखे अपने शरीर को, ठीक है। तो ये है इस चैप्टर में, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर इस चैप्टर को लेके कोई डाउट बचा हुआ है सो कमेंट्स में बता दो। तो अभी बात करते हैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज का, ठीक है, वो क्वेश्चन आ सकता है उसको याद करके जाना। उसके बाद में हेल्थ और जो है डिसीज फ्री, हेल्थ का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डिसीज फ्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हेल्थ की डेफिनेशन जरूर याद करना। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फैलने के तरीके भी पूछ सकते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कोई बीमारी है वो कैसे पहुंचती है, तो ये चीज है यहाँ पे जो है पूछी जा सकती है। वायरस और बैक्टीरिया का इतना ज्यादा खास नहीं है, बट हाँ इन्फेक्शनस नॉन इन्फेक्शनस सिंपल सिंपल बातें हैं, ये पता होनी चाहिए, डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आएगा तो बाहर से आएगा, पूछ लेंगे इन्फेक्शनस डिसीज कैसी है, तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो उसमें एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल दवाइयां दी जाती है, बस इतना सा बता दो बहुत है, ठीक है ना। फैलता कैसे है, तो कॉन्टैक्ट में, एयर में, इनडायरेक्ट में, एनिमल्स की मदद से फैलता है, तो ये बेसिक आउट मतलब बहुत बाहर बाहर की जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, तो वो चीजें मतलब मैंने तो थोड़ा डीप बता दिया, बट हाँ जो बाहर बाहर की चीजें जो दिखती हैं तो वो चीजें आपको बतानी है, जिसका आपको आई होप वैसे भी आइडिया होगा अपने सराउंड में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो आपको आइडिया हो जाता है इन सब चीजों का। सो यही था आज की इस वीडियो में, एंड जो एनसीईआरटी में है तो यहाँ से जो क्वेश्चन कुछ आते नहीं है ज्यादा, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के आने के भी चांस है, बट हाँ बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ भी जाता है तो पता होना चाहिए। अब बेबी इज नॉट टू एबल टेल हर केयर टेकर्स दैट शी और ही इज सिक, व्हाट वुड ही हेल्प टू फाइंड आउट दैट द बेबी इज सिक, व्हाट इज द सिकनेस। मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि एक जो बेबी है मतलब बच्चा है, और वो बच्चा बोल नहीं सकता, मतलब छोटा बच्चा है, वो बता नहीं सकता अपने केयर करने वाले को, अपने माता पिता को, ठीक है, कि मैं बीमार होने वाला हूँ, या बीमार होने वाला तो होता ही नहीं है, बीमार हूं या फिर नहीं हूं, तो उनको घर वालों को जो परिवार है उनको उनको कैसे पता लगता है कि जो बच्चा है ये बीमार हो चुका है। अगर उसको बुखार होता है, आपको पता है आपका शरीर गर्म हो जाता है जब आपका बुखार होता है, वो क्यों होता है गर्म आपको नहीं पता होगा, बट हाँ बता देते हैं, जब हमारे शरीर का जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के ब्लॉक्स जो प्रोटीन होती है, सेल्स होती है प्रोटीन से बनी हुई, वो टूटनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो बोलते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है ना, वो इम्यूनिटी सिस्टम वहां पे एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि लड़ाई जंग चल रही है वहां पे पूरी शरीर के अंदर, और उस जंग में जो जरूरत होती है प्रोटीन की, और अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आप जल्दी बीमार हो जाते हो, और प्रोटीन अगर प्रॉपर है तो वहां पे शरीर जो है जल्दी से खत्म कर देता है उसको, क्योंकि आपके पास प्रोटीन की कमी नहीं है, मतलब गोला बारूद की कोई कमी नहीं है, तो वहां पे इसी कारण से जब प्रोटीन टूटेगा, सेल्स टूट रही है तो वहां से एनर्जी बाहर निकलती है, वही कारण है कि आपका शरीर गर्म हो जाता है। और बच्चा अगर बीमार हो रहा है तो वहां पे भी सेम केस है, तो बच्चा अगर गर्म हो गया तो उसका क्या मतलब, ज्यादा गर्म हो रहा है उसका शरीर, तो उसको बुखार हो चुका है, तो इस तरीके से पता लगाया जाता है कि कोई बच्चा बीमार है या नहीं है, ठीक है ना। और ये कैसे पता लगेगा कि उसकी बीमारी क्या है, तो वो बीमारी तो डॉक्टर्स बता देंगे, बट डॉक्टर्स बताते कैसे हैं, ये भी सोचते होंगे यार डॉक्टर ने कैसे बता दिया कि इसको डेंगू में, तो वो ब्लड टेस्ट करेंगे या तो, या फिर उसके अलावा जो है सिंपल अगर देखते, अगर गांव के डॉक्टर को देखे, देसी डॉक्टर जो बोलते हैं, तो वो कैसे पता लगाते हैं उनको बीमारी क्या है, तो वो भी ऐसा ही करते हैं, सेम चीज करते हैं वो भी, कि शरीर का तापमान कैसा है, क्या चीज है चल रही है शरीर में, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से जो है वो आइडिया प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि उसको बीमारी क्या है, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में, हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, एंड अगर आपको मिस नहीं करनी और इसी टाइप की वीडियोस और भी चाहिए तो इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, जाओ सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटी आई उसको दबा डालना ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना कर सको।